पंजाब के बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा पर हमला किया गया। होशियारपुर में पंजाब बीजेपी अध्यक्ष अश्विनी शर्मा के काफिले पर हमला हुआ। आरोप है कि हमलावरों ने अश्विनी शर्मा के साथ मारपीट भी की। यूपी के मथुरा में आरएलडी ने किसान महापंचायत का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी और अकाली दल के नेता भी शामिल हुए। तेज प्रताप यादव आज हसनपुर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल करेंगे। तेज प्रताप ने पिछली बार महुआ सीट से चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी, मगर इस बार आरजेडी ने उन्हें हसनपुर से उम्मीदवार बनाया है। बिहार की बेतिया में पुलिस ने 22 जगहों पर छापेमारी की और शराब की कई भट्टियों को तोड़ दिया। इसके अलावा वहां से बरामद हजारों लीटर शराब को भी नष्ट कर दिया। यूपी के प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली रामलोचन यादव की दो अवैध संपत्तियों को जमींदोज कर दिया गया। प्रशासन ने एक मकान और दो मंजिला गेस्ट हाउस पर यह कार्रवाई की, जिसके लिए कुछ मशीनों की मदद ली गई। भारी पुलिस बल और अधिकारियों की मौजूदगी में 5 मशीनें एक एक कर दोनों इमारतों को तोड़ती नजर आई। गेस्ट हाउस करीब 1500 वर्ग मीटर में करोड़ों की लागत से बनाया गया था, 2 मंजिला ये गेस्ट हाउस। आज पीडीए की जेसीबी मशीनें इसको धराशायी कर रही हैं। कार्रवाई के दौरान प्रशासन के अधिकारियों ने बाहुबली रामलोचन यादव के गेस्ट हाउस और मकान को ढहाने की वजह भी बताई। इसका मानचित्र स्वीकृत नहीं कराया गया था, इसका लीगल डिमोलिशन ऑर्डर पीडीए ने पास किया था। बताया गया कि समाजवादी पार्टी के नेता और बाहुबली रामलोचन यादव के खिलाफ अपराध के कई मामले पहले से दर्ज। यूपी के हापुड़ से एक चौंका देने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें जमीन के विवाद में एक ही परिवार के 3 भाइयों के बीच जमकर मारपीट हुई। बताया गया कि 3 भाइयों में मकान की हिस्सेदारी पर विवाद हुआ और देखते ही देखते ये लोग 2 गुटों में बंटकर एक दूसरे पर टूट पड़े। सामने आए एक वीडियो में 2 लोग बीच सड़क पर एक लड़के पर मिट्टी से बने बर्तनों से हमला करते दिखे, जबकि एक लड़का ईंट से वार करता दिखा। मारपीट करने वाले 5 से 7 लोग आपस में गुत्तम गुत्था नजर आए। मारपीट के समय एक महिला बीच बचाव करने की कोशिश करती दिखाई थी। थोड़ी ही देर में इस हंगामे को देखने वालों की सड़क पर भीड़ लग गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने दोनों तरफ के लोगों को अलग कर दिया। जानकारी मिलते ही एक पुलिस वाला भी घटना वाली जगह पर पहुंचकर मामले की जांच करता दिखा। परिवार के ही लोग हैं, उसमें कमरे को लेकर विवाद हुआ था, तो उन्होंने मारपीट करी थी आपस में। साथ ही पुलिस ने मारपीट में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने का भरोसा दिया। सुबह करीब 10 बजे मुंबई पूरी तरह से ठप हो गई। लोकल ट्रेन, ट्रैफिक सिग्नल, अस्पताल, दुकान, सब कुछ बंद हो गया। मुंबई को बिजली की सप्लाई करने वाली पावर ग्रिड फेल होने की वजह से करीब 2.5 घंटे तक मुंबई थम सी गई और जो जहां था वहीं फंस गया। लोकल ट्रेनों के चक्के भी जाम हो गए। हजारों लोग अलग अलग स्टेशनों पर फंसे रहे। फंसे हुए लोगों में किसी को दफ्तर पहुंचना था तो किसी को अस्पताल, लेकिन लोकल ट्रेनों के पहिए दोबारा कब चलेंगे ये कोई नहीं जानता था। मुंबई से सटे डोंबिवली स्टेशन पे और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर लोकल ट्रेन खड़ी है। काफी समय से ये लोकल ट्रेन खड़ी है, काफी सारे जो यात्री हैं वो इस ट्रेन में फंसे हुए हैं। केवल लोकल ट्रेन ही नहीं, ट्रैफिक सिग्नल और सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे तक ठप पड़ गए। लाइट चली गई है और इस वक्त हम खड़े हैं बाइकलर सिग्नल पर, जहाँ आप देख सकते हैं कि लाइट जो चली गई है, जिसकी वजह से सीसीटीवी कैमरा और जो सिग्नल है वो नहीं चल पा रहे। अस्पतालों में भी अंधेरा छा गया। कुछ जगहों पर तो डॉक्टर खुले में मेज कुर्सी डालकर मरीजों से मिलने लगे। दवा की दुकानों में लोग मोबाइल की टॉर्च जलाकर काम चलाते दिखे। यहाँ तक कि पेट्रोल पंप भी बंद हो गए। ग्रिड फेल होने की वजह से पेट्रोल पंपों पर लगी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया और घंटों तक लोगों को पेट्रोल भी नहीं मिला। मैं संचूरी से आ रहा हूँ, पेट्रोल पंप ढूंढने पर कहीं पेट्रोल मिला नहीं। मुंबई के लोगों को राहत तब मिली जब 2.5 घंटे बाद तकनीकी दिक्कतों को दुरुस्त किया गया। बांद्रा स्टेशन पर लाइट आ चुकी है और ट्रेन जा रही है। 2.5 घंटे तक देश की आर्थिक राजधानी के ठप होने से बवाल मच गया। सीएम उद्धव ठाकरे ने मामले की जांच के आदेश दे दिए।